नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली आज है हमारी हिस्ट्री की लास्ट क्लास। तो आप लोग अभी तक जिस तरीके से हम लोगों को प्यार देते रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसी तरीके से आगे भी प्यार देते रहिए। वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज वीडियो को शेयर करें। आपके दोस्तों भाई बहनों तक पहुंचेगा वीडियो, तभी तो वो लोग हम तक पहुँच पाएंगे। हमारे द्वारा की गई मेहनत और स्टूडेंट तक पहुँच पाएगी, फ्री क्लासेस सब लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगी। तो प्लीज जितना हो सके अपना सहयोग हम लोगों को देते रहें, अपना प्यार हम लोगों तक पहुंचाते रहें। तो आज जो क्लास है उसमें हम लोग 1935 से लेकर 1947 तक के जो भी चेन ऑफ इवेंट्स है वो देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के, और जानेंगे किस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अपना प्यार जैसे देते रहे हो प्लीज और ज्यादा प्यार दो इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चल सके मेरी मेहनत कितनी काम कर रही है, कितनी आप लोगों तक पहुँच रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1935 की। लास्ट हम लोगों ने जब क्लास की थी तो हम लोगों ने उसमें जो हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वहां तक का सब कुछ पढ़ लिया था। तो यहाँ पर दो इवेंट हुए थे जो इम्पोर्टेंट थे, सैमिट कमीशन और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेज में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों ही कॉन्फ्रेंसेज में ये और लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी मैं उसका ईयर लिखा, तो इन दोनों ही इवेंट्स के बीच में अगर हम लोग बात करें, इन दोनों इवेंट्स में जो रिजल्ट आया, जो आउटकम निकल के आया, उसी आउटकम का रिजल्ट था एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसको एक्सेप्ट किया और भारत ने इसको लागू करने की बात की। इसमें मेन मेन चीजें थी क्या, मेन मेन बातें क्या थी? सबसे पहले तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, साथ साथ ये कहा गया कि जो भी राजा राज्य थे, मतलब राजाओं के हाथ में जो प्रिंसिपल स्टेट थे, उनको भी क्या किया जाएगा, इंडिया में शामिल किया जाएगा, इस फेडरल इंडिया में शामिल किया जाएगा। परंतु प्रिंसिपल स्टेट इसके लिए एग्री नहीं कर गए, पर एक विचार कहीं ना कहीं इस चीज को डाल दिया गया लोगों के अंदर और भारतीयों के मन में कि हाँ अब एक क्या एक फेडरल इंडिया को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की शुरुआत हो चुकी है। फाइनली अगर हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आता है क्या, पावर का डिवीजन आता है। क्या आता है, पावर का डिवीजन आता है। अब पावर के डिवीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे फेडरल और प्रोविंसेस, मतलब स्टेट एंड काउंटेंट लिस्ट में क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया। आप लोग आज के टाइम पर भी करते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड एक पीसीओ के काउंटेंट लिस्ट का। तो ये तीन पावर्स हैं, ये पावर्स का डिवीजन किसने किया गया, ताकि ज्यादा बेटर बेहतर तरीके से ज्यादा बेटर एक गवर्नेंस सिस्टम को लगाया जाए, लेकर आ सके। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, इन सब में बाइकैमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है, बाइकैमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब बाइकैमरल सिस्टम जो है वो क्या है यहाँ पे हमारा, तो बाइकैमरल सिस्टम आपको पता है हमारी दो, एक होती है विधानसभा और एक होती है क्या, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद के सिस्टम को यहाँ पर क्या किया गया, एक तरह से बोला जाए तो इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से स्टेट्स में, तो ये आपको पता होगा कि बंगाल, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब यूपी वाला रीजन आज के दिन का, बिहार और असम वाला। फिर इसके अलावा यहाँ पे डीआरकी सिस्टम लाया गया सेंटर में। डीआरकी सिस्टम अगर बोला जाए तो यहाँ पे क्या, द्वैत शासन को लाने की कोशिश, द्वैत शासन मतलब कि यहाँ पर दो शासन व्यवस्था यहाँ पर लेकर आ सकते, उनको लाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे गए यहाँ पर, रिजर्व सब्जेक्ट से यहाँ पे मतलब क्या, रिजर्व सब्जेक्ट एक्चुअल में उन सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया गया वर्ड, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर स्टेट या कोई भी एक पर्टिकुलर काउंसिल एक्शन नहीं ले सकती, वो डायरेक्टली क्या केवल गवर्नर जनरल के हाथ में दे देते, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के हाथ में वीटो पावर दे दी गई। इस तरीके से कुछ जैसे आज के टाइम पर हम लोग अवशिष्ट शक्तियां बोले थे, काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के हाथ में। फिर जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट थे वो सब के सब क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में दिए गए, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या ज्यादातर इंडियन होते, ठीक है। स्टेट्स में जो प्रोविडेंसीज थे स्टेट्स थे उस समय के, उनमें के ऊपर जो डायरेक्टरी सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और वहां पर क्या एक ऑटोनोमस प्रोविडेंसी का एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया। इसी समय पर क्या एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जिसे आज के टाइम पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हो, वो उस समय का क्या था, फेडरल कोर्ट। और इसी समय पर हमारा आरबीआई भी है, ये भी ध्यान रखना, आरबीआई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे काम इस समय पर हुए थे 1935 में। और आज के टाइम का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अराउंड 200 आर्टिकल्स कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल 1935 से प्रेरित है, कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर है। अब इसी चीज का तो लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं कि हम आजाद भी कैसे आजाद हुए, कि हम लोग आज के टाइम पर भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।
ये कैसी आज़ादी है। अब फाइनली होता है क्या है कि यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं 1937। इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिलता है, कांग्रेस कई जगहों पर अपनी सरकारें बनाती है। इसी समय पर कांग्रेस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है, आप लोगों को कई बार मैं इकोनॉमिक्स के टाइम पर पढ़ाता हूँ। अब ये सारा जो इवेंट हो रहा है इसी के बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस अपना इलेक्शन लड़ती है, जीतती है, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 में। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय इसमें डायरेक्टली शामिल हों और हम वो चाहते नहीं थे। हम क्यों चाहेंगे भाई हमारे ऊपर अटैक हो, हमारे लोग बेचार बेकार में मारे जाए, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, हमें क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, अमेरिका उसमें जानबूझ के उंगली कर रहा है यूक्रेन को, और इंडियंस को बोल रहा है आप लोग रशिया के अगेंस्ट हो, क्यों भाई हम क्यों अगेंस्ट हो, तुम्हारा पिलाया हुआ रायता हम क्यों समेटें। वही बात यहाँ पर भी है। तो फाइनली यही सारी चीज़ें होती हैं। फाइनली यहाँ पर होता ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, एक तरफ अलाइड पावर्स और एक तरफ एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। चाइना तो खैर कहने के लिए, क्योंकि ये तो एक तरह से गुलाम था तो इसीलिए लड़ रहा था क्योंकि तो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, अदरवाइज ये यहाँ डायरेक्टली लड़ता। फिर उसके बाद यहाँ पर यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट, तो ये लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, इंडियंस को शामिल करने की कोशिश करते हैं। जब इंडियंस को शामिल करते हैं तो कांग्रेस यहाँ पे कर देती है रिजाइन, बोलते भैया हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अगर आप लोगों को यही काम करवाना है तो हम इसके में आपके भागीदार नहीं बनेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस इसके अगेंस्ट हो जाती है तो यहाँ पे मुस्लिम लीग यहाँ पे क्या करती है, उसको मौका मिलता है, यार ये तो बहुत अच्छा मौका, एक काम करते हैं हम लोग अपनी डिमांड रख देते हैं। मुस्लिम लीग अपनी डिमांड क्या रखती है यहाँ पर, सीधे सीधे पाकिस्तान की डिमांड रखती है। उनको यहाँ पे मौका चाहिए था, उनको तो धार्मिक आधार पर क्या देश का बंटवारा करना था, उनको एक मोरल मतलब एक तरह से बोला जाए कि मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं अपना एक बेस्ट नेशन क्रिएट करना था, जो कटोरा लेकर हर जगह पर जा सके, है ना। उनको दिखाना था कि धर्म के आधार पर अलग किया हुआ देश किस तरीके से आगे बढ़ता है कटोरा लेकर, तो वो चीज़ वो प्रेजेंट करना चाहते थे। तो उनको यहाँ पे मौका मिला तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट कर दी। फाइनली यहाँ पे आता है अगस्त ऑफर, भारतीयों को कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोवोक करने के लिए लाया गया कि हम आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, सारी चीजें देंगे, बेनिफिट देंगे, बस आप क्या करो यहाँ पे शामिल हो जाओ। पर क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसे बेनिफिट जो हमारे कभी डिमांड हुआ करती थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, हमारी डिमांड थी 1920-22 में। उसके बाद हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की तो डिमांड भी छोड़ दी, वो डिमांड आज के टाइम पर बोले हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बोला नहीं चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा उसमें माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे, माइनॉरिटीज के पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए बात बोल दी। हमने बोला वो भी नहीं चाहिए भाई। अगस्त ऑफर हो जाता है यहाँ पे फेल, अगस्त ऑफर होता है फेल, और बोला जाता है कि भैया पॉलिटिकल राइट्स दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देंगे, उसके अमेंडमेंट में राइट्स दे देंगे, इकोनॉमिकल राइट्स दे देंगे। इंडियंस बोलते नहीं चाहिए भाई कुछ भी, तुम लोगों को जितना देना था हम लोगों को पहले वो दे सकते थे, दे सकते थे, अब तो हमको पूर्ण स्वतंत्रता थी, पूर्ण पूर्ण रूप से आज़ादी। अब जब ये बात होती है तो यहाँ पर फाइनली अंग्रेज मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे गांधी जी उतरते हैं। गांधी जी यहाँ पे लेकर आते हैं अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या लेकर आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आते हैं। अब गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये शुरू होता है 8 अगस्त को, सेम डेट है तो उसको दोनों, और यहाँ पर वो सीधे सीधे बोलते हैं, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोल रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेरे मतलब भैया इंडिविजुअल सत्याग्रह लेकर आते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह लेकर आते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है गांधी जी का, यहाँ पर गांधी जी डायरेक्टली अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं विरोध तो होगा पर ये जो विरोध होगा ये आप जितने भी सत्याग्रही हैं वो अपने अपने एरियाज में जाकर करेंगे सत्याग्रह, एक जगह इकट्ठा होकर बड़े लेवल पर नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो अंग्रेज कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि अंग्रेज जर्मन्स के अगेंस्ट में कमजोर पड़े। तो इस विचारधारा की वजह से उन्होंने क्या यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया। पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों को ही सत्याग्रह शुरू करने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है, एक 3 महीने के लिए, 4 महीने। गांधी जी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, वो ये डिसाइड कर रहे थे कौन सा व्यक्ति सत्याग्रही बनेगा और कौन सा व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बने, इस चीज को डिसाइड कौन करते, महात्मा गांधी करते।
ताकि इस चीज का ध्यान रखा जाए कि कोई भी सत्याग्रही कहीं एग्रेसिव मोड में ना आ जाए, इसमें ना आ जाए, एग्रेसिव ना हो जाए। फाइनली यहाँ पे होता है क्रिप्स मिशन, ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए आता है। होता ये 1942 में अमेरिकन को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि बिना इंडिया के सपोर्ट के हम लोग इसको नहीं जीत सकते। अमेरिकन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को फोर्स करते हैं, भैया इंडिया को आज़ाद करो, इंडिया के राइट्स जो हैं वो उनको दो, अगर आपको सच में ये युद्ध जीतना है, ये लड़ाई जीतना। खैर ब्रिटिशर्स की मजबूरी होती है, वो लोग यहाँ पे क्रिप्स मिशन भेजते हैं इंडियंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, और वैसे ही आप लोग लगातार इतना विरोध कर रहे हो, आपकी बात हम समझ रहे हैं, हम आपको क्रिप्स मिशन भेज रहे हैं, आप क्रिप्स मिशन की बातों को एक्सेप्ट कर लो। पर बातें वही थी जो अगस्त ऑफर में दे रहे थे, वही डोमिनियन स्टेट, माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भारतीयों को अलग से क्या राइट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में भारतीयों को रखा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनकी स्वीकृति ली जाएगी, और ये सारी बातें हमको नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से विरोध होता है, पोस्ट डेटेड चेक कहकर गांधी जी इसको क्या करते थे, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसका रिजेक्शन होता है, मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या अपनी डिमांड को फिर से रखती है कि भैया हमारी वो डिमांड थी पाकिस्तान वाली, वो तो आपने मांगी मानी नहीं। क्रिप्स मिशन बोलता पाकिस्तान जैसी कोई डिमांड हमारे पास है नहीं, और ना ही हम चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे असंतुष्ट हो जाती है, नाक सिकोड़ के बैठ जाते हैं कि यार हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे आप लोग। फिर यहाँ पे होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन के विरुद्ध में यहाँ पर फाइनली गांधी जी लेकर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त को ये होता है बॉम्बे में, मीटिंग होती है और मीटिंग में डिसाइड किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे ही इसको लीड किया जाता है, तुरंत ही यहाँ पर 8 अगस्त और 9 अगस्त की जो रात थी उसमें क्या लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 8 अगस्त और 9 अगस्त की जो रात है उसमें क्या कर लिया जाता है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, बॉम्बे में शुरू किया गया था, ठीक है। ग्वालियर ट्रैंक करके एक मैदान था, वहाँ पर डू एंड डाई का नारा दिया गया था यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है किसको, महात्मा गांधी को, आगा खां पैलेस में, ठीक है। अहमदनगर में रखा जाता है किसको, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को। इसके अलावा जो अदर लीडर थे उनको बारे में भी जान लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी इस मूवमेंट में शामिल थे, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जेपी मूवमेंट आगे चलकर चला था, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, अरुणा असफ अली और ऊषा मेहता। ऊषा मेहता वही है जिनके द्वारा कांग्रेस रेडियो चलाया गया था इस समय पर, पहली बार कांग्रेस रेडियो को लीड करने वाली और पहली बार कांग्रेस के द्वारा रेडियो का इस्तेमाल इस आंदोलन के समय पर किया गया था। तो यहाँ पे गुपचुप तरीके से कुछ जो छोटे लीडर्स थे वो इसको लीड करते, परंतु शुरुआती 2 महीने में ही ये पूरा का पूरा मूवमेंट समाप्त कर दिया कांग्रेस। परंतु आम जनता इतना एग्रेशन में आ चुकी थी, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, उन्होंने इस मूवमेंट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और ये कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं का, भारतीय लोगों का आंदोलन बन गया। आप लोग ये बात मत भूलिए कि हाँ कांग्रेस ने शुरू किया, पर कांग्रेस अब लीड नहीं कर पाई, आम जनता खुद इसमें शामिल हो रही, आम जनता खुद इसमें पार्टिसिपेट करी। गांधी जी तो अभी जेल में, गांधी जी निकल के आते हैं यहाँ पे जेल से बाहर 1944। इसी के साथ कांग्रेस के अदर लीडर्स को भी धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। इस आंदोलन के पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो करीबन करीबन 7,000 लोग मारे गए, ये एक मिनिमम डेटा है, 7,000 लोगों के मारे गए अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया डेटा है 7,000 लोगों के मारे गए। सोचो इन 7,000 में से केवल गिनती के आप लोग केवल कुछ लोगों को जानते हो आप, जिनके नाम पर आजादी लिखी गई, उन लोगों को जानना, उन रेवोल्यूशनरीज को जानना सोचो कितना जरूरी है। इन 7,000 लोगों ने क्या बलिदान दिया हमारे लिए आप सोचिए। ये भी चाहते तो शांति से बैठ सकते थे कि जब आजादी मिलेगी मिलेगी, पर इसीलिए हम लोगों को हर एक बलिदानी को याद करना यहाँ पर जरूरी है। तो फाइनली यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं कि हाँ हम भारतीयों को आजादी देंगे। इसी बीच में सी राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, जिसमें वो कहीं ना कहीं डिमांड रखते हैं कि किसी तरह से भारतीयों को और मुस्लिम जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं एक जैसा रखा जाए,
पर यहाँ पर भी वो क्या कर जाते हैं, मौन कर जाते हैं पाकिस्तानी की डिमांड को लेकर। और ये एक बड़ा टेरिफिक कंडीशन थी कि यार पाकिस्तान की डिमांड को लेकर आपने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। जब एक्सेप्ट करने से मना करते तो मोहम्मद अली जिन्ना अपना खुद का एक क्या करते हैं, फॉर्मूला लेकर आते हैं, और इसके अंतर्गत वो टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज को क्या करते हैं, सेपरेट करने की बात करते हैं। और ये बोलते हैं इंडिया के दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा पाकिस्तान को, एक कौन सा नॉर्थ वेस्टर्न और एक नॉर्थ ईस्टर्न, आज के टाइम का बांग्लादेश और आज के टाइम का पाकिस्तान, इसमें इसको क्या डिवाइड करने की बात की जाती है। साथ ही साथ वो कॉमन सेंटर के बारे में भी एग्री नहीं करते कि एक सेंट्रल पावर बनाई जाए और वो यहाँ पे सारे डिसीजन ले, वो यहाँ पे क्या वोटिंग करे, वो उसके लिए भी एग्री नहीं करते। उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे कांग्रेस क्या करेगी, कहीं ना कहीं पावर में आ जाएगी। तो यहां से शुरू होती डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में डिमांड ऑफ पाकिस्तान को रखा जाता है, टू नेशन थ्योरी को यहाँ पे लाया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। फाइनली यहाँ पे दो पार्ट में पाकिस्तान की डिमांड को रखा जाता है, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट, जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे कई और भी ऐसे लीडर थे, आप ये मत सोचिए कि सारे के सारे मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लोग वहीं पर सपोर्ट करते, परंतु ये एक बड़ी अजीब बात है कि मोर देन 90% लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग को, और 85% लोग इंडिया में रह गए और 15% लोग ही केवल पाकिस्तान में रुक गए। सोचो इसका मतलब 85% लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो इंडिया में ही रुके। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी कि हमें टुकड़ों में अलग अलग जगह पर अपना अपना क्या देश मिल जाए, देश को कितने टुकड़ों में डिवाइड करने की सोच रहे थे। पर कुछ ऐसी पार्टी थी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट कर रही थी, जो इस विभाजन के विरोध में थी, जिसमें से उत्तर पश्चिमी प्रांत की खुदाई खिदमतगार, हम ठीक है, बलूचिस्तान में खान अब्दुल गफार खान इसको क्या करते, लीड करते। फिर वतन पार्टी, अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन, अहर पार्टी, अखिल भारतीय शिया पार्टी और आज़ाद मुस्लिम पार्टी, ये सारी पार्टीज जो थी वो क्या करेंगी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। कांग्रेस को ये पार्टी सपोर्ट करनी थी, पर उनके ग्राउंड पे जाकर देखो तो जो मुस्लिम लोग थे, जो लीडर्स थे, वो शायद कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इसी का इम्पैक्ट था जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में ज्यादातर लोगों ने क्या मुस्लिम लीग को वोट दिया अलग देश के नाम। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, खासतौर से इंडियन मुस्लिम को, कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एज अ वोट बैंक शुरू से होता है, चाहे आजादी के समय हो चाहे आज के समय। इंडियन मुस्लिम्स को थैंकफुल होना चाहिए कि यार हम लोगों ने गलती जरूर कर दी थी कि उस टाइम पर हाँ शायद रुक कर हम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आज हम लोग इंडिया में रह रहे, अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान में होते तो क्या कंडीशन होती आप सोचिए, ठीक है, क्या कंडीशन होती आप सोचिए अगर आप पाकिस्तान में। फाइनली मुस्लिम लीग लगातार यहाँ पे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट डायरेक्टली तो एक्सेप्ट नहीं करी थी इन डिमांड्स को, पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो मुस्लिम लीग को प्रवोक लगातार कर रहे थे डिमांड पे कि आप अपनी डिमांड्स को और बड़े लेवल पर करो। अब इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ भी रहा, हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स लगातार क्या एंटरटेन कर रहे हैं मुस्लिम लीग के लीडर्स। जब आप माइनॉरिटीज को अलग अलग तरीके से प्रवोक करने की कोशिश करोगे, अलग अलग तरीके से राइट देने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रवोक कर रहे हो उनको, वो एक अलग नेशन की बात है। और अभी रिसेंटली बराक ओबामा का करंट अफेयर का ही पार्ट, बराक ओबामा का एक अभी एक वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू लिया गया न्यूज चैनल, बराक ओबामा जिसको हम लोग इतना अच्छा लीडर मानते हैं, वो आदमी बोल रहे हैं कि हाँ मैं इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कंसर्न हूँ, और मुझे लगता है आगे चलकर ये कहीं ना कहीं सेपरेट फिर से डिविजन हो सकता है देश का। मतलब कितना ज्यादा आदमी को जिसको हम लोग इतना मानते हैं, इतना सोचते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी, कितनी अच्छी विचारधारा रखता है, वो आदमी इंडिया के लिए इस तरह के विचार रख रहा है, सोचिए। आप अमेरिकन को कम मत समझिए, कहीं ना कहीं अमेरिकन कहीं ना कहीं इंडिया, आप ये मानो कि वो इंडियन इकोनॉमी के खून के प्यासे बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं इंडिया आगे बढ़े, उन्होंने शुरू से इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट किया, प्रवोक किया कि इंडिया के लिए, और ये रियलिटी है। आप कोई भी वार देख लो इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट में अमेरिका ने किया, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। उसके बाद भी वो चाहता है कि हम लोग रशिया का सपोर्ट छोड़कर अमेरिका की तरफ करेंगे, तो ये कंडीशन कहीं और नहीं, इसी तरीके की इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से यहाँ पे हमने देखा। फाइनली 26 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, इस कैबिनेट मिशन में भी फाइनली जो मुस्लिम लीग को जो स्वीकृति थी उसे सामने रखा जाता है, ठीक है।
और जब सामने रखा जाता है तो जो कैबिनेट मिशन होता है वो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके बाद वो कैबिनेट मिशन से क्या कर लेंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, यही दो ये रीजन्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड को रखा जाए। फाइनली यहाँ पे वेवल प्लान आता है 1945 में लॉर्ड वेवल के द्वारा। वेवल प्लान का मेन जो ऑब्जेक्टिव था उसका काम ये था कि इंडियंस को तैयार करना उनके इंडिपेंडेंस के लिए, यहाँ पे संविधान बनाने के लिए, लोगों की क्या लोगों को तैयार करना, लोगों को एकजुट करना, ये सारे काम क्या थे वेवल के। यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है वेवल। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल करने की बात करता है वेवल, कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे, ये बात करता है। वीटो की पावर यहाँ पर गवर्नर जनरल के हाथ में दी जाती है, पर यह भी कहा जाता है कि बिना किसी मिनिस्टर की एडवाइस के, बिना मिनिस्टर्स की एडवाइस के वो यहाँ पे वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें वेवल प्लान में आती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंट करने के लिए वो यहाँ पर क्या करता है कि जो भी पार्टीज है उनको राइट देता है कि आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करोगे, यहाँ पर भेज सकते हो काउंसिल। ठीक है, सेपरेट पावर्स के बारे में बात करता है यहाँ पे। ये ज्वाइंट लिस्ट, अगर आप लोग एक ज्वाइंट लिस्ट नहीं बना सकते, पार्टीज अगर एक ज्वाइंट लिस्ट नहीं बना सकती तो वो क्या अपनी अलग अलग लिस्ट, सेपरेट लिस्ट दे सकती है, तो इस बारे में बात करता है वेवल प्लान। फाइनली यहाँ पे आता है अब इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी जिसे एक्चुअल में स्टेब्लिश किया था राज बिहारी बोस जी के द्वारा, जिनका जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। आगे चलकर इसको लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे आजाद हिंद फौज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया था। उससे पहले तक इसे क्या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के रूप में देखते हैं, ये पार्ट भी आप लोग जान लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन की तरफ, क्योंकि तो बिना सुभाष चंद्र बोस के आजादी अधूरी है। इंडिया की आजादी के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वो आजाद हिंद फौज थी, वो सुभाष चंद्र बोस। अगर ये लोग अंग्रेजों को मजबूर नहीं करते तो 100% था कि इंडिया में एक म्यूटिनरी होती और इंडियन जो आर्मी थी वो ही क्या करती, इंडिया को आजाद करवा देती। फिर हमें शायद कहीं कांग्रेस का नाम सुनने को ना मिले। तो फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन रेवोल्यूशनरी यहाँ पे एक्टिव होते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ पर क्या किसी तरह से वो यहाँ से इंडिया से छुप कर क्या बाहर निकलते हैं और जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी पहुंच कर वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेना को लीड करने की कोशिश करते हैं। वो सिंगापुर में क्या करेंगे, फिर जर्मनी से वो पहुंचते हैं कहाँ पर, जापान। जापान में से फिर वो सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर में पहुंच कर वो क्या आजाद हिंद फौज को पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे, और स्थापित करने के बाद वो दिल्ली चलो का यहाँ पे नारा देंगे और इसी के साथ आजाद हिंद फौज की शुरुआत हो जाएगी। इन्हीं को यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड किया था इंडिपेंडेंट इंडियन लीग का, जो कि एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय की। इन्हीं को सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का। और ऐसे ही कमांडर नहीं बने थे, पूरी की पूरी 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद कमांडर बनते हैं। INA में 3 इंपॉर्टेंट ब्रिगेडियर्स बनाए गए, ब्रिगेड्स बनाई गई, जिनमें से एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, एक का नाम गांधी और एक का नाम नेहरू। वही 3 हमारे मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम से यहाँ पर क्या ब्रिगेड बनाई। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई गई, जो कि महिलाओं की ब्रिगेड थी, जिसमें कई महिलाएं जासूस थी, कई महिलाएं डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट करी थी, और कई महिलाएं एज अ मेडिक हेल्प के रूप में काम करती। फाइनली इनके द्वारा इम्फाल और कोहिमा वाले रीजन को जीता जाता है, वहां पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाता है। जापान 1945 में जब सरेंडर करता है तो उसके बाद मजबूरी हो जाती है कि इंडियन नेशनल, जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको क्या करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो लगातार सप्लाई जापान से आ रही थी वो सप्लाई क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। और ये जो बंद सप्लाई है इसकी वजह से क्या लगातार फाइट करने में हमें आ रही थी दिक्कत, जिसके बाद फाइनली ये जो फेलियर थे इसकी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस है वो पीछे हटना शुरू होते हैं और वो ताइवान जाते हैं। अब कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि ताइवान जब वो जा रहे थे तो उस समय पर उनका प्लेन क्रैश होता है ताइवान में, और उसी क्रैश के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ जगह पर कहा जाता है ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, ये दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ उनकी डेथ हो गई है, परंतु ऐसा हुआ नहीं टोक्यो जाते थे। ठीक है, फाइनली जो बचे हुए जो INA के सोल्जर्स थे इन सब के ऊपर ट्रायल्स चलते हैं रेड फोर्ट में। इन ट्रायल्स को जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रा के द्वारा क्या किया जाता, लीड किया जाता। जिनमें से मेन जो पर्सन थे, मेन जो वकील थे, वो भोला भाई देसाई थे। ध्यान रखना, ही वॉज द मेन पर्सन जो यहाँ पे क्या करते हैं, इनके मुकदमों को यहाँ पर लड़ते हैं।
आधा दिन पहुंचते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की डेथ कंफर्म नहीं है। अब आप लोगों ने एक सुना होगा बड़ा इंपॉर्टेंट, एक वो बोला जाता है गुमनामी बाबा, फैजाबाद में गुमनामी बाबा थे जिनके बारे में कहा जाता है अराउंड 1975 के आसपास तक ये जीवित थे, और इनके पास मिली सारी इंफॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस से मिलती है, और ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ही थे जो यहाँ पे वेश बदल कर रूप बदल के रह रहे। और कई ऐसे इवेंट्स हैं, आप लोग कभी नोटिस करना, एक मूवी बनी थी बड़ी खूबसूरत गुमनामी बाबा के नाम से, आप लोग वो देखना बहुत अच्छी है। चंद्रचूड़ जी की एक बुक है सुभाष डेड और अलाइव, आप लोग कभी वो पढ़िए, बहुत खूबसूरत बुक है अनुजधर की, चंद्रचूड़ घोष बोल रहा हूँ मैं, अनुजधर। अनुजधर की बड़ी खूबसूरत बुक है, आप लोग ये बुक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों की। तो फाइनली ये आप लोगों को इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस की लाइफ। तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ, ठीक है, उसके बाद वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो इलेक्शन जीतते हैं 39 के, उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। फाइनली वो 41 में जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी पहुंचकर वहां पर फिर वो एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं, वहां से हेल्प लेते हैं, वहीं पर वो एमिली नामक एक महिला से क्या करते हैं, शादी करते हैं, उनकी वहां पर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम अनीता होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाते हैं, फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं। फाइनली वो क्या जर्मनी, जर्मनी की हेल्प से कहाँ पहुँचते हैं, जापान पहुँचते हैं, और जापान में वो फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी को इस्टेब्लिश करते हैं प्रॉपरली, और वहाँ से क्या इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करना शुरू करते हैं, जिनके द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और कोहिमा वाले रीजन को क्या कर दिया जाता है, जीत दिया जाता है। एक तरह से बोला जाए प्रॉपर इंडिपेंडेंस तो वही था, उन्हीं के द्वारा पूरी पूर्ण रूप से सरकार बनाई गई थी, उनके द्वारा उस समय पर पूर्ण रूप से सरकार के साथ साथ बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, नोट करेंसी इस्टेब्लिश किया गया था। अब आते हैं कैबिनेट मिशन, तो लॉर्ड एटली के द्वारा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे लंदन के, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया था, कैबिनेट मिशन को अनाउंस किया था। कैबिनेट मिशन यहाँ पर आता है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड फिप्स और एबी अलेक्जेंडर की लीड में। पैथिक लॉरेंस इसके मुख्य अध्यक्ष थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भारतीयों के लिए क्या एक प्रॉपर कंडीशन, एक एंट्रिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना, उस एंट्रिम गवर्नमेंट के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इस्टेब्लिश करवाना था, ताकि देश को आज़ादी की तरफ बढ़ाया जा सके, देश को आज़ादी दी जा सके, हैंडओवर की जा सके किसी का। तो ये जो प्रॉब्लम थी इनको सॉल्व करने का काम किसका था, एक्चुअल में कैबिनेट मिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, इसके अलावा क्या जो भी इंडिपेंडेंस था उसके लिए सारे सारे लोगों को एक साथ लेकर आना, एक साथ बैठाना, संविधान की जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर समाधान खोजना, ये सारी योजनाओं के ऊपर क्या कैबिनेट मिशन काम। फाइनली यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम थी कि सबको तो एक साथ लेकर आ गए, पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस शुरुआत में तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर आगे चलकर मुस्लिम लीग क्या करेगी, पीछे हट जाएगी, बोलेगी आप हमारे डिमांड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे यार, आप हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे। तो जुलाई 1946 में होते हैं इलेक्शन, उन इलेक्शन में कांग्रेस को 205 सीटें मिलती हैं 214 में से, ठीक है, और वहीं पर मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम सीट्स मिलती हैं वो कितनी मिलती हैं, 73 सीट्स मिलती हैं, और मुस्लिम लीग को यहाँ सोच 73 सीट कितना, मतलब अराउंड 100% के आसपास का करीबन करीबन रिजल्ट है ये एक तरह से देखा जाए। भाई दो चार सीटें छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, दो चार सीटें छूट रही हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर सोचो इतने बड़े लेवल पर लोगों ने, खुद मुस्लिम लोगों ने क्या किया, वोट दिया है मुस्लिम लीग, तो 100% मुस्लिम लीग अब डिमांड करेगी ना, नहीं अब तो हमको चाहिए हमारा देश, चलो कितने लोगों ने हमें वोट किया, इसका तो बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की आज़ादी पर। और ये जो एंट्रिंग गवर्नमेंट बनती है इसको लीड करने वाले जो पर्सन बनते हैं वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर 1946 को इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर शपथ दिलवाई जाती है सरकार की एज अ अंतरिम गवर्नमेंट के रूप, और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो डायरेक्ट एक्शन डे बनाते हैं, और डायरेक्ट एक्शन डे में वो इतना ब्रूटली, इतनी ज्यादा ब्रूटली ये एक्शन लेते हैं, इतना ज्यादा नरसंहार करते हैं, इतना ज्यादा कम्युनल राइट्स करते हैं बुरी तरह से कि आप जिसका अंदाजा नहीं लगा, ये नरसंहार, ये राइट्स धर्म के नाम पर इतने ज्यादा होते हैं कि मतलब आप खुद सोचिए कि पूर्ण रूप से पूरे के पूरे देश में दंगे शुरू हो जाते हैं, खासतौर से बंगाल यूपी बिहार के लिए, खासतौर से और इन्हीं लोगों रीजन के मुस्लिम लोगों ने एक्चुअली मुस्लिम लीग को वोट दिया।
सोचिए उनमें से केवल और केवल 85% लोग इंडिया में रह गए और केवल और केवल 15% लोग केवल पाकिस्तान गए। कितनी ज्यादा अजीब बात है। ये 85% आज भी कहीं ना कहीं उसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार उनको किस तरीके से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज भी वही बेवकूफी कर रहे हैं ये 85% जो इंडिया में रह गए। समस्या ये आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही। इंडियन मुस्लिम को कहीं ना कहीं समझना होगा कि उनको किस तरीके से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मुस्लिम में फीमेल के राइट्स की बात की जाती है तो उनको बुरा लगता है। ठीक है, दुनिया भर में फीमेल्स बड़े बड़े काम करिए पर नहीं, हमारी फीमेल केवल बुरखे में, केवल घर के काम करे, केवल बच्चे पर। बहुत गलत सोच है। कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकलना जरूरी है इंडियन इंडियन मुस्लिम। अदरवाइज इंडिया की कंडीशन पाकिस्तान जैसी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन गलतियों की वजह से। आप लोगों को समझना होगा। और इवन जब पाकिस्तान जब बन गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया पाकिस्तान, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, और वेस्टर्न ईस्टर्न में दो पार्ट में डिवाइड होने के बावजूद भी अब पाकिस्तान डिमांड ये करता है कि हमें बीच में से एक रास्ता दे दो दोनों तरफ जाने का। और ऑलमोस्ट गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद हमको कहीं ना कहीं एक उनके अगेंस्ट एक्शन दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कि नाथुराम गोडसे शायद इसी वजह से बोल पाए। मैं ये नहीं कहता कि नाथुराम गोडसे ने अच्छा काम किया, पर ये बहुत गलत काम किया। ऐसा करने की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे माउंटबेटन प्लान आता है 1947। माउंटबेटन प्लान फाइनली डिसाइड करता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस अब दिया जाना है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान फाइनली लास्ट वॉइस रहता वो बंदा, और इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। ये बंदा फाइनली यहाँ पे जब आता है तो ये यहाँ पर क्या करता है, घोषणा करता है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली जो होते हैं वो लंदन की लोकसभा से, मतलब हाउस ऑफ कॉमन से क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। और अनाउंसमेंट करने के बाद माउंटबेटन को फाइनली इंडिया में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और 3 जून 1947 को क्या वो यहाँ पे प्लान ऑफ पार्टीशन को एग्जीक्यूट करते हैं। और पार्टीशन के जो प्लान था उसको यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे लाया जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान को दो पार्ट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। 3 जून को ये पास होता है और 15 अगस्त को यहाँ पे इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया जाता है। ये इंडिपेंडेंस 1948 में देने की बात की गई थी, जून 1948 में दी गई, पर वो चीज़ अब 10 महीने पहले कर दी। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है अंग्रेजों ने जानबूझ के ऐसा किया। तो 24 मार्च को ये आते हैं 1947 में इंडिया। इंडिया पहुंचते पाकिस्तान की पहले शुरुआत में मांग को क्या कर दिया जाता है, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि भैया नहीं, पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं बनेगा, हम इसके लिए वैसे भी एग्री नहीं करते। परंतु 3 जून 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और मैं तो कहता हूँ 10 महीने रुकी जाते, हो सकता है मोहम्मद अली जिन्ना वैसे कैंसर से पीड़ित से मर जाते उस बीच, तो शायद ये पार्टीशन भी नहीं होता। ठीक है, और नाथुराम गोडसे का जो इंसिडेंट लोग बोलते हैं कि गांधी को मार रहा और अली मोहम्मद अली जिन्ना को मार देते, तो मोहम्मद अली जिन्ना को पहले मारने की कोशिश की थी पर वो बच गए। जो उनके हथियार थे वो अच्छे में पकड़ में आ गए थे, दिक्कत नहीं। और सबसे पहला जो पॉलिटिकल एसेशन है, हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी का हुआ, नहीं, पॉलिटिकल एसेशन की सबसे पहली जो कोशिश की गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगेंस्ट की गई थी। दिल्ली में जो डॉन न्यूज़पेपर है, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान का मुख्य पत्र है, वहाँ का ऑफिशियल न्यूज़पेपर, उस डॉन न्यूज़पेपर के ऑफिस से चलाई गई थी गोलियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर उस समय का। तो आप ये मत सोचिए महात्मा गांधी को सबसे पहले मारने की, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़ा एक तरह से बोले जाए अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान और की डिमांड के लिए। और वो सबसे ज़्यादा शौक थे, उन्होंने बोला यार मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि इंडिया के मोर देन 90% मेजोरिटी ने वोट किया पाकिस्तान के लिए और वो पाकिस्तान गए नहीं। ठीक है, ये बहुत अजीब बात थी हमारे लिए। फाइनली अब यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1947 लाया जाता है। 15 अगस्त को इंडिया के इंडिपेंडेंस को अनाउंस कर दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो है मतलब एक तरह से बोला जाए कि औपचारिक रूप से जो इसका अनाउंसमेंट था वो 18 जुलाई 1947 को किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, पाकिस्तान अपनी डेट डिसाइड करता है क्या 14 अगस्त, वो कहता है हम इंडिया से नहीं, हम इंडिया से एक दिन पहले आ जाते, बल्कि हुए दोनों साथ ही थे पर उसने अपनी डेट क्या कर ली, एक दिन आगे कर ली। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल मैंने आपको वैसे ही बताया माउंटबेटन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। रेडक्लिफ यहाँ पर आते हैं, सर रेडक्लिफ आते हैं, उनको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ये इंग्लैंड से एक वकील आता है और आकर यहाँ पे क्या सेपरेट एक मैप के ऊपर लाइन खींच देता है और बोलता है ये इंडिया और ये पाकिस्तान। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं,
कई मेजोरिटी रीजन जिसमें बहुत ज्यादा हिंदू रहते थे उन सबको क्या पाकिस्तान में दे, इतना ज्यादा बड़ा ब्लंडर किया गया पंजाब के क्षेत्र में। तो खास तौर पर जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम थे जो इंडिया के पार्ट में रह रहे थे वो इंडिया की तरफ आ गया, और मेजोरिटी ऑफ पंजाबी जो पाकिस्तान वाले पार्ट में रह रहे थे वो पाकिस्तान की तरफ, जिसकी वजह से हमें पंजाब में बहुत ज्यादा ब्रूटल नरसंहार देखने को मिला। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक राजा के द्वारा बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी गई, उसने मक्खी उड़ाने के लिए राजा की नाती उड़ा, बिल्कुल वैसे ही था रेडक्लिफ ने हमारे साथ किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के। टेरिफिक इंसिडेंट क्या होता है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी जाती है द्वारा, और इसी के साथ हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो समाप्त होता है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज सब्सक्राइब करें, जितने नए लोग इसको देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, मतलब लाइक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जितना हो सकता है अपने दोस्तों भाई बहनों को वीडियो शेयर करो ताकि आप लोगों के भाई बहन भी हमारे तक पहुँच सके, उनको भी हेल्प मिल सके, वो लोग भी हमसे जुड़ सके, उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये सारे के सारे फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं आपसे लेता हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास हमारी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की होगी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट। तो फिलहाल अभी मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।